Assalamualaikum, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. So friends, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे. अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे. आमीन सुम्मा आमीन. सो हम विद अनदर व्लॉग. और आज का भी जो मेरा व्लॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है. मज़े का इसलिए कि अभी भी जब ये जो व्लॉग है ना, ये मैं सारी क्लिप्स जो है ना वो वाले शेयर कर रही हूँ जब मैं अपने सिस्टर की तरफ थी, अपने मामू की तरफ थी. और यहाँ पे ये टाइम था सुबह सुबह का, ठीक है, सुबह 8 बजे का ये टाइम था. और कज़न जो हैं वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, पराठे, और जिसने सादी रोटी खानी थी सादी रोटी, और साथ में आलू की भुजिया, ठीक है. सो जब कभी कुछ भी खाने को ना दिल करे ना, तो आलू की भुजिया जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि ईज़िली जो है ना बंदा बना लेता है. जैसे कुछ कोई चीज़, कोई सालन या कोई भी एग वगैरह जो है ना खाने को दिल ना करे, तो आलू जो है ना वाकई में सब्जियों का बादशाह है, क्योंकि आलू जो है ना ईज़िली खाए जाते हैं और बड़े मज़े से खाए जाते हैं. सो उसके बाद यहाँ पे हुरैन फातिमा झूले वगैरह ले रही थी, और उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था. और फिर उसके बाद यहाँ पे कज़न ने आज बनाई कढ़ी, वो भी मेरी फरमाइश पे, और बहुत ही मज़े की कढ़ी बनी थी, और ये पकोड़े बन रहे थे. सो मौसम जो है ना इस दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसकी वजह से हम लोगों ने कढ़ी बनाने का सोचा. और हम लोग कढ़ी वो पकोड़े बना रही थी, और साथ साथ जो है ना पकोड़े हम लोग खा रहे थे. और ये था जी पकोड़ों का मिक्सचर, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की कढ़ी बनी थी. और दुआ जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. तो दुआ यहाँ पे क्यों एक्साइटेड थी, क्योंकि जब हमने घर जाना था ना, तो 2 दिन बाद जो है ना उसकी बर्थडे थी, और इस वजह से ना उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी. अच्छा जी, तो ये सैलड आई थी सिस्टर की तरफ से, और उन्होंने आना था शाम में. और यहाँ पर उन्होंने सैलड जो है ना रशियन सैलड पहले से ही बना के भेज दी थी. बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े से खाई बच्चों ने भी, मैंने भी. और उसके बाद सिस्टर ने आना था, और मेरे जो भांजे हैं और भांजी हैं, उनकी मैं आगे ना आप लोगों को बातें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. आप लोग ज़रूर सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा. अच्छा मेरी बात सुनो, सब अपना अपना नाम बताओ. आपका अली, आप आपका नाम क्या है? जन्नत. आपका? अच्छा. और आपका? चलो अबू बकर, आप क्या सुनाओगे? बकर सर जो गाना सुनाएगा ना, मैंने उसको चॉकलेट देनी है. छोटी सी बात है, ठीक है? पहले अच्छा, ठीक है, चलो चलो जन्नत सुनाओ. ओके चलो चलो, इधर सुनाओ सुनाओ. अपना गाना बना लिया. चलो जी आ जाए इधर बेटा, इधर आ जाए. ओ आपका गाना आज रिलीज होगा. ओके कम हियर, थोड़ा सा इधर आए. अच्छा कौन सा गाना आपका आज रिलीज होना है? कौन सा गाना रिलीज होना है? अभी सोचने जा रहा है जो रिलीज होना है. अली कम हियर, इट्स नो कम हियर. ओके चलो अब आप सुनाओ अली, प्लीज आप गाना रिलीज कर दो ना, इतने फैंस बैठे हैं आपके. अभी से डायमंड प्ले बटन मिलेगा क्या? अभी से डायमंड प्ले बटन मिल रहा है. वाओ ब्लॉग्स भी आने वाले हैं आपके. क्या नाम है आपके चैनल का? मम्मा मुझे चॉकलेट मिलेगी. माइनक्राफ्ट की? वाओ आप गेम लवर हो, गेमिंग लवर हो आप. गेमिंग सेटअप? अच्छा 10 लाख का आता है. अच्छा गेमिंग सेटअप 10 लाख का आता है? 10 करोड़ का. 10 करोड़ का? आपकी स्पीड नहीं करी है? पीसी तो हमारे पापा के पास है, कंप्यूटर भी हमारे पापा के पास, और वो भी एक लैपटॉप. अच्छा अब मुझे आप अपना गाना रिलीज कर दो प्लीज. मैं अपने के थे, वो गाने का नाम बताता हूँ जी, सुनाए. गाने का नाम अली ब्लॉगर. चलिए वाओ, आपकी ब्लॉग का नाम अली ब्लॉगर है, और मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगर.
एल एल मेरे पता नहीं किसी का ब्लॉग सी ब्लॉग हाँ ब्लॉग देता था तो मेरे चैनल का नाम मैं अपने चैनल का नाम रखा था एल ओ एल और मैंने अपने चैनल का नाम रखा योर लाइफ। इतनी जोर से मार जन्नत ने। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिल होता है। दिल दिल पे मारा है? ओ गॉड, दिल पे ले लिया आपको? दिल पे ले लिया आपने? ओहो, सैड हो गए। ओहो, तो ये थी जी अली की बातें, आपने सुनी, बहुत इंजॉय की होंगी आई थिंक आप लोगों ने, और इसके दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। सो उसी दिन ना फिर सिस्टर ने और अम्मी ने फरमाइश की कि नान खताई बनाओ, तो फिर मैंने जो है ना अपनी मोस्ट फेवरेट और सबकी फेवरेट जो है ना नान हताई मैंने बनाई, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे चैन में, सब इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जनाब शाम के खाने का टाइम हो गया था, और यहाँ पे जो मेरी दूसरी सिस्टर आई थी ना, उन्होंने फरमाइश की थी कज़न को कि वो वेजिटेबल पुलाव बनाएं, तो उन्होंने वेजिटेबल पुलाव बनाया। और मुझे चूंकि खाने थे कढ़ी के साथ चावल, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़े से चावल जो हैं वो लहता से बॉयल किए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये था जी नेक्स्ट डे। और ये जो ग्रेप्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये आए थे गांव से, ठीक है। और मेरी जो हाला है ना, उनके घर पे जो है ना इसका जो है ना पूरी एक बेल है, और वहाँ से फिर जो है ना वो सबको गिफ्ट्स वगैरह जो है ना इस तरह से भेजती हैं। जब ये ग्रेप्स जो हैं वो पक जाते हैं, तो फिर सबको जो है ना उनका हिस्सा मिलता है। सो ये जो ग्रेप्स हैं ये गांव से आए थे, और बड़े ही फ्रेश थे, बहुत मज़े के थे, मीठे थे, और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किए। सो शाम में फिर हम लोग चले गए थे, ये मैं चली गई थी अपनी कज़न की तरफ, और वहाँ पे फिर हम लोगों ने बच्चों ने इंजॉय किया काफ़ी सारा, क्योंकि छुट्टियाँ थी और छुट्टियों में जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और जब अपने हों साथ तो फिर तो इंजॉयमेंट जो है वो ना दुबाला हो जाती है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिफ़्रेशमेंट वगैरह ली बच्चों ने। और यहाँ पे ना एक बिल्ली थी, ठीक है, और उस बिल्ली के साथ ना बच्चों ने, अच्छा ये बिल्ली जो है ना इनकी पालतू है घर की, और इसके साथ जो है ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। दुआ को चूँकि बिल्लियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दुआ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी इसको देख कर, इसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो बस दुआ ने इसको पकड़ा और इसके साथ जो है ना खेल कूद में लग गई। और हुरैन फातिमा जो है वो बहुत ज़्यादा डरी थी, हुरैन फातिमा इधर झूले में बैठ गई थी, और हुरैन फातिमा की जो कज़न है ना मेरी सिस्टर की जो बेटी है, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो इन दोनों को जो है ना मैंने इसके अंदर बिठा दिया, क्योंकि जो बिल्ली थी ना वो भी इसके झूले के बिल्कुल नीचे आके बैठ गई थी, और ये दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, और ये दोनों ऊपर बैठ गई थी फिर। अच्छा, दुआ मुझे अक्सर कहती है कि मामा मैंने ना बिल्ली लेनी है, कैट हो जो है ना वो मैंने भी लेनी है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको संभालने का सारा जो प्रोसीजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है ना मैं बिल्कुल भी हामी नहीं भरती जानवरों को जो है ना इस तरह से घर पर रखने के लिए, लेकिन जो है ना लगती बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और उसके बाद फिर मैं सिस्टर की तरफ आ गई, अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ ही, और उन्होंने जो है ना ये बनाए हुए थे टिंडे मसाले वाले, अभी उन्होंने चूल्हे पर रखे हुए थे दम पर। और यहाँ पे एक तरफ बन रही थी खिचड़ी मूंग दाल की, और क्योंकि थोड़ा सा जो है ना पेट डिस्टर्ब था उनका, तो उन्होंने फिर अपने लिए जो है ना वो खिचड़ी बनाई। और इस तरह से बस फिर सारा दिन जो है वो गुजरता। और यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं पूरे व्लॉग में जो है वो नज़र नहीं आई आप लोगों को, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना चेहरा भी दिखा दिया जाए। और उसके बाद जनाब रात हो गई थी, हम लोग सो गए थे बातें शातें करके, और बच्चे जो है मस्तियाँ वगैरह करके। और ये जो है ना टाइम था सुबह का नेक्स्ट डे, ठीक है, ये तीन दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये आलू की बन रही थी पीठी, मेरी कज़न जो हैं वो बना रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें मज़े मज़े के खाने जो हैं वो बना बना के खिलाए। और मैंने फरमाइश की थी कि आलू के जो नान है ना वो लगवाए जाए, और ये जनाब आलू के नान जो हैं वो लग कर आ गए थे, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे।
और हम लोगों ने रायते के साथ जो है वो इनको इंजॉय किया था, बहुत मज़े के लगे थे और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। और जब जब तक आलू वाले नान जो है ना स्पाइसी ना हो ना, वो एक स्पाइसी सा जो मज़ा है ना वो नहीं आता। सो बस यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, क्योंकि आज जो है ना मैंने जाना था घर वापस। और यहाँ पे ना फिर मैं चली गई सिस्टर की तरफ और बच्चे जो है ना आज दुआ जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि दुआ की आज रात में ही जो है ना वो बर्थडे थी, और यानी 12 बजे के बाद बर्थडे स्टार्ट थी, तो दुआ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पर फिर जब मैं सिस्टर की तरफ आई तो वो बना रही थी खाना मेरे लिए, और खाने में उन्होंने आज जो है ना वो मटन का सालन बनाना था, साथ में उन्होंने बिरयानी बनानी थी जो सिंधी बिरयानी होती है वो लेयर्स वाली, तो वो भी मटन वाली बनानी थी उन्होंने। तो यहाँ पे बस फिर वो मसाला वगैरह जो है वो काट रही थी और मैंने तो सोचा थोड़ा सा जो है ना वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो यहाँ पे वो प्याज वगैरह डाल रही थी, हरी मिर्ची वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हैं डालेंगी, टमाटर वगैरह जो है वो डालेंगी। अच्छा मैं जो है वो टमाटर ग्राइंड करके डाल लेती हूँ और वो जो है छिलका उतार के और उस तरह से डाल लेती हूँ, तो उस तरह से भी बड़े अच्छे से जो है ना मसाले के अंदर जो है ना वो मैश हो जाते हैं। और बड़ा ही मज़ेदार से सालन बना था, और सालन की जो है वो पिक्चर लेना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, और बिरयानी की जो है ना वो क्लिप मैंने बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद जनाब बिरयानी जो है वो हो गई थी, उसका कोरमा वगैरह जो है वो बन गया था, और यहाँ पे लेयर्स जो है वो मैं लगा रही थी। और यहाँ पे मेरी जो कैमरा मैन थी ना वो मेरी भांजी बनी हुई थी तो उसको मैं कह रही थी थोड़ा ऊपर ऊपर करके जो है ना वो कैमरा दिखाओ। तो बस यहाँ पे जो है बिरयानी हो रही थी डन, और हम लोग फिर आ गए थे घर खाना शाना खाने के बाद, और जनाब यहाँ पे दुआ की हो गई थी बर्थडे सरप्राइज बर्थडे, और दुआ को बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसके बाबा जो है वो केक ले आए थे, इसकी बर्थडे की ट्रीट जो है वो अभी हम लोग ने सबको देनी थी, तो बस उस दिन जो है ना इसका केक काटा था। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि इसको यहाँ पे पता नहीं था कि मेरा केक जो है वो कटेगा। सो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक।